यहाँ देखेगा फुलझड़ी। पिछले दो तीन साल के दौरान देश भर में किसानों का आंदोलन देखने को मिला। किसानों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि खेती की लागतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही। रासायनिक खाद, कीटनाशक और बीज महंगे हो रहे हैं, लेकिन सरकार उस हिसाब से फसलों का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा पा रही है और ना ही उसकी ओर से ऐसी पुख्ता व्यवस्था हो रही है कि उसे खुले बाजार में फसलों की ज़्यादा कीमतें मिलें। सरकार का भी मानना है कि अगर किसानों की खेती की लागतें काबू में रखी जाए तो उसे समस्या सुलझ सकती है। इसके लिए उसने एक बार फिर के बजट जीरो के बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐलान किया है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, कैसे ये खेती बढ़ाने की लागतें में काम कर सकती है, किस तरह ये सरकार और किसानों का मकसद को साध सकती है, आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। आपको बता दें कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती है, ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचा जा सकता है। इस खेती के परोपकारों का कहना है कि ये खेती देसी गाय के गोबर और मूत्र पर आधारित है। जीरो बजट फार्मिंग या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF शब्द सुभाष पालेकर की ओर से ईजाद किया हुआ है। सुभाष पालेकर के नाम पर इसे सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग यानी SPNF कहा जाता है। पद्मश्री सुभाष पालेकर महाराष्ट्र के बगैर रासायनिक खाद और कीटनाशकों की खेती करते आए हैं। उनका मानना है कि रासायनिक और ऑर्गेनिक खेती फसलों के उत्पादन बढ़ाने में नाकाम साबित हुई है। इसमें जमीन के उपवर क्षमता कम हुई है और जल संसाधन सूखे हैं, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग में भी इजाफा हुआ है। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तहत आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 2.3 लाख हेक्टेयर में किसान खेती कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है कर्नाटका, वहीं तीसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, जहां 15,012 हेक्टेयर में ऐसी खेती शुरू हुई है। कृषि के जानकारों में कहा है कि आंध्र प्रदेश में इस खेती में किसान दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो इसकी वजह ये भी है कि वहाँ के इसके प्रमोशन के लिए सरकार ने 2.56 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जीरो बजट खेती को लेकर कृषि विशेषज्ञ बटे हुए हैं। मशहूर कृषि अर्थशास्त्री दिवेंद्र शर्मा कहते हैं कि खेती का ये मिशन सही दिशा में जा रहा है। दो साल में ही 5.78 लाख किसानों ने इसे जुड़ने की बड़ी बात है। इस खेती में किसान खुशहाल होगा और उसका उत्पादन खाने वाले सेहत ठीक रहेगी। जबकि राष्ट्रीय किसान संघ के फाउंडेशन मेंबर बीके आनंद ने इस खेती को व्यवहारिक नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि इस खेती के नाम लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके उत्पाद कम हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।